हेलो प्यारे बच्चों, वीवीएम ज्ञान अड्डा 2 में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने अपने अगले वीडियो में आपको 8.1 का पढ़ाए थे, आज हम 8.2 से आपको सवाल बताएंगे। हमने अगले वीडियो में कक्षा 10 का जो है कि त्रिकोणमिति आपको 8.1 से पढ़ाए थे, आज हम 8.2 से पढ़ाएंगे। चलिए, हमारा जो है कि इसमें पहला सवाल है, पहला है निम्नलिखित शंका मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो है पहला हमारा सवाल है साइन 60 अंश कॉस 30 अंश प्लस साइन 30 अंश कॉस 60 अंश, ठीक है। और हमारा जो दूसरा सवाल है वो है टू टेन स्क्वायर 45 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। तो चलिए, हम आपको पहला सवाल बता रहे हैं, जो कि पहला है साइन 60 अंश कॉस 30 अंश प्लस साइन 30 अंश और कॉस 60 अंश। आप जानते हैं साइन 60 अंश का मान कितना होता है, √3/2 इंटू कॉस 30 अंश का मान कितना होता है, ये भी √3/2। साइन 30 अंश का मान 1/2, कॉस 60 का मान 1/2, ठीक है। अब यहाँ हम जो कि √3 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे, कहने का मतलब कैरी में 3 से गुणा हम कैरी 3 में करेंगे तो ये केवल 3 हो जाएगा, ठीक है। और 2 का गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ पर 1 और 1 का गुणा करेंगे तो 1, 2 का 2 में किए 4, चूँकि हमारा दोनों हर समान है तो 4 हमारा एलसीएम हुआ। ऊपर 3 और 1 जोड़ देंगे यानी 4/4, 4 से 4 काट दिए कितना आया 1। ये हमारा पहला सवाल हुआ। दूसरा देखिए दिया है, दूसरा जो सवाल है वो इस प्रकार से है, देखिए दूसरा सवाल है, दूसरा है कॉस स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। अब जो है 2 ऐसे रहेगा, टेन 45 अंश का मान ये होता है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। कॉस 30 अंश का मान ये होता है कर्णी में 3/2, स्क्वायर लगाइए। साइन 60 का मान ये होता है कर्णी में 3/2 का स्क्वायर। यहाँ 2 ऐसे ही रहेगा, क्योंकि 1 का वर्ग 1, कैडिंग 2 का वर्ग करेंगे तो केवल 2 हो जाएगा, कैडिंग 3 का वर्ग केवल 3, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। यहाँ भी कैडिंग 3 का वर्ग 3, 2 का वर्ग 4, क्योंकि ये प्लस माइनस में है कैंसिल हुआ, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हुआ आया कितना 1, ठीक। अब चलिए अगला सवाल जो है वो इस प्रकार से है, देखिए जो है हमारा जो अगला सवाल है वो है यदि tan a प्लस बी बराबर √3 दिया है और tan a माइनस बी बराबर ये दिया है 1/√3, ठीक।
आप चलिए, तो इसमें पूछा है ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। तो आप देख रहे हैं टेन ए प्लस बी बराबर कैडी में 3, ठीक है। तो ये किसका मान है, टेन ए प्लस बी ऐसे ही रहेगा। आप जानते हैं जो है कि टेन 60 अंश का मान, टेन 60 अंश का मान कैडी में 3 होता है। टेन से टेन हमारा कैंसिल होगा, ए प्लस बी बराबर कितना आएगा 60 अंश। ये समीकरण एक बना लेते हैं। दूसरा जो है वो है टेन ए माइनस बी बराबर 1/3। अब टेन ए माइनस बी बराबर यहाँ हुआ टेन 30 अंश, कितना टेन 30 अंश। अब टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस बी बराबर कितना आएगा 30 अंश, जो कि समीकरण 2 हुआ। अब पहला हमारा है ए प्लस बी बराबर 60 अंश, दूसरा ए माइनस बी बराबर 30 अंश, ठीक है। अब जो है हम जोड़ेंगे, जोड़ने पर बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ए और ए जोड़ दिए तो 2a हुआ, और 60 और 30 कितना हुआ 90 अंश। तो ए का मान कितना आया 90/2, यानी कि 45 अंश। ए कितना आया 45 अंश। अब हम बी का मान निकालेंगे, तो यही मान हम एक में रखेंगे, तो ये है हमारा ए प्लस बी बराबर 60 अंश। तो जहाँ पर ए है वहाँ 45 अंश रखेंगे, प्लस बी बराबर 60 अंश। तो बी बराबर हो जाएगा 60 माइनस 45, 60 में से 45 निकालेंगे तो कितना बचेगा 5, 15 अंश बचेगा, कितना बचेगा 15 अंश। इस प्रकार से हमारा जो है ए कितना आया 45 अंश और बी कितना आया 15 अंश, ठीक है। अब चलिए देखिए, इसके बाद हमारा जो चौथा सवाल है वो इस प्रकार से है। चौथा सवाल देखिए, चलिए देखिए चौथा सवाल, चौथा सवाल है यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 अंश, ठीक है। तो जहां 2a न्यून कोण है, न्यून कोण है, ठीक है। अब जो है तो a का मान ज्ञात कीजिए, a का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसमें देखिए tan 2a बराबर cot a माइनस 18 अंश, ठीक है। अब हम tan 2a को cot 90 अंश माइनस 2a कर सकते हैं, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा, और यहाँ cot a माइनस 18 अंश, ठीक है। अब जो है cot से cot कैंसिल हो जाएगा, 90 अंश माइनस 2a और इस तरफ a माइनस 18 अंश, ठीक है। अब जो है 90 को ऐसे रहने दो, 18 इस तरफ आएगा प्लस हो जाएगा, ए ऐसे रहने दो, 2a इस तरफ आया प्लस 2a हुआ, 2 और 1 a कितना हुआ 3a, और 18 और 90 कितना हुआ 108। अब a बराबर कितना होगा 108/3, 3 से इसको काटिए, 3 त्रिका 9, 3 6 18, यानी a का मान कितना आया
36 अंश। कितना आया? 36 अंश। अब इसी प्रकार से हम आपको पांचवा सवाल बताने चल रहे हैं, जो कि पांचवा सवाल है। चलिए एक बार इस सवाल को फिर समझो। जैसे यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 अंश है, जहां 2a न्यून कोण है यानी कि 90 अंश से कम है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। अब ये चीज हमारा प्रश्न में दिया हुआ है, तो जब 2a 90 अंश से कम है तो इसको हम cot माइनस 2a कर 90 माइनस 2a कर सकते हैं। अब चूंकि cot 90 माइनस a बराबर होता है tan a, अगर हम इसको tan में चेंज करेंगे तो ये इतना फिर हो जाएगा। अब दोनों तरफ cot है, cot से cot कैंसिल हो जाएगा, 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 अंश। अब चूंकि a माइनस में बराबर किस तरफ आएगा? प्लस होगा। ये माइनस में इस तरफ गया, प्लस हुआ, 2 और a 3a हुआ, और 90 और 18 कितना हुआ? 108। जब हम a बराबर लेंगे ये 3 हमारा बटे में आएगा, 3 से 108 में भाग देंगे कितना आएगा? 36। अब चलिए देखिए हम पांचवा सवाल आपको बता रहे हैं। पांचवा देखिए, पांचवा सवाल है, यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 अंश, a माइनस 20 अंश है, जहां 4a आपका न्यून कोण है। क्या है? न्यून कोण है। चलिए देखिए, तो a का मान ज्ञात कीजिए, a का मान ज्ञात कीजिए। अब चलो देखो, sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 अंश, ठीक है। अब हम sec को, चूंकि 4a न्यून कोण है, तो इसको हम लिख सकते हैं cosec 90 अंश माइनस 4a बराबर cosec a माइनस 20 अंश, ठीक है। यहाँ cosec से cosec कैंसिल होगा, ये 90 अंश माइनस 4a और cosec यहाँ बचा आपका a माइनस 20 अंश, ठीक है। 20 इस तरफ आएगा तो वह प्लस 20 अंश हो जाएगा। यहाँ a है, 4a इस तरफ आएगा, प्लस 4a, दोनों जोड़ देंगे कितना होगा? 5a। और यहाँ 90 और 20 जोड़ दिए कितना हुआ? 110। जब हम a बराबर लेंगे 110 बटे का आ जाएगा 5, 5 दूना 10। a बराबर कितना आया? 22 अंश, ठीक है। ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अब 8.3 से सवाल जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। धन्यवाद।